हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अष्टम श्रेणी पिला माने आज आम तुम भूगोल बहर जो द्वितीय अध्याय रही भू संबल तार प्रश्न उत्तर गुड़िक भिडियो देखा। तो देख, एक नंबर, दुई नंबर, तीन नंबर जो प्रश्न गुड़िक रही तार उत्तर गुड़िक आम पूर्व भिडियो देखी। तो जदि तुमने से भिडियोटी देखिना तो मुझे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँ, तो तुम मैंने जाकि देखीदेव। ठीक अच्छे, तो आम आज ये भिडियो देखा चार नंबर ठार आगु देखा। ठीक अच्छे, तो देख चार नंबर कौन देना, क स्तंभ में थिबा विषय सहित ख स्तंभ में थिबा संपृक्त विषय को जोड़। क स्तंभ ख स्तंभ, तो देख क स्तंभ में आमको देखिए प्रथम भू अवक्षय निरोध। तो यहाँ आमर कौन है ख स्तंभ में, ना नियंत्रित पशुचारण है। तो तापर टू वाई देख दे पथर बंध, तो पथर बंध हम मृत्तिका क्षय निरोध है। तापर देख थर्ड आई, तो थर्ड आई देची गड़ाणिया भूमि, तो गड़ाणिया भूमि हम सोपान चाष है। तो देख आई भी देची सामाजिक वनीकरण, तो सामाजिक वनीकरण हम जन सचेतन। ठीक अच्छे, तो सामाजिक वनीकरण हम जन सचेतन। कृष्ण सुवर्ण हम पेट्रोलियम है। तो तापर देख दे पांच नंबर पार्थक्य दर्शाओ है। तो ये गुड़िक सब आम पार्थक्य दर्शेवा। तो आई रे देख पार्वत्य भूमि और समतल भूमि, तो आम बामपट लिखा पार्वत्य भूमि, डाणपट लिखा समतल भूमि। तो पार्वत्य भूमि रे कौन लिखा, ना समुद्र पतन रु अधिक उच्चता विशिष्ट पहाड़ और पर्वत गुड़ी को पार्वत्य भूमि कहा जाए। सेपरी समतल भूमि क्या कह जाए, ना समुद्र पतन रु अल्प उच्चतारे थिबा प्राय समान उच्चता विशिष्ट अंचल को समतल भूमि कहा जाए। टू आई पॉइंट कौन लिखा पार्वत्य भूमि रे, ना उदाहरण होची एशियार हिमालय होची पार्वत्य भूमि उदाहरण। आउ समतल भूमि उदाहरण कौन है, ना तिब्बत है, तिब्बत गोबी इत्यादि मालभूमि। टू आई पॉइंट टू आई रे देख परिवाहित मृत्तिका और अवक्षिप्त मृत्तिका। तो परिवाहित मृत्तिका क्या कहा जाए, ना शिला क्षय हेबा परे क्षयजात प्राकृतिक शक्ति द्वारा परिवाहित होई अन्यत्र संचित हेबा द्वारा जो मृत्तिका सृष्टि हुए ताको परिवाहित मृत्तिका कहा जाए। अवक्षिप्त मृत्तिका क्या कहा जाए, ना केतेक क्षयकारी शक्ति द्वारा मृत्तिका क्षय प्राप्त होई विक्षिप्त भाव जमा होगा अवक्षिप्त मृत्तिका कहा जाए। तो परिवाहित मृत्तिकार उदाहरण हे पट्टु मृत्तिका, आउ अवक्षिप्त मृत्तिकार उदाहरण हे लोएस है। तो तापर देख थर्ड आई, तो थर्ड आई दे चिरहरित अरण्य और पर्णमोची अरण्य मध्य पार्थक्य। तो चिरहरित अरण्य कौन लिखा, ना चिरहरित अरण्यर उद्भिद गुड़िक अति वृष्टि अंचल थगुड़िक वर्ष सारा जलाभावर सम्मुखीन होगुड़िकर पत्र वर्ष सारा सबुज थिरहरित अरण्य कहा जाए। तो टू आई लिखा आबुलम मेहगानी रबर इत्यादि यही अरण्यर प्रधान वृक्ष है। लिखा पर्णमोची अरण्य कौन लिखा, ना पर्णमोची उद्भिद गुड़िक वर्षर एक निर्दिष्ट समय अर्थात शुष्क ऋतु जलाभाव रक्षा पायापी समस्त पत्र एक संगे पत्र झड़ा दिंती, तेणु यह पर्णमोची अरण्य कहा जाए। तो यार उदाहरण कौन है, ना शाल पियाशाल शिशु इत्यादि मूल्यवान वृक्ष एठार देखा जाए। आई भी रे जैवमंडल और बारिमंडल मध्य पार्थक्य। तो जैवमंडल कौन है, ना अश्ममंडल बारिमंडल और वायुमंडल मिलन स्थल थिबा संकीर्ण अंचल जेउठारे प्राकृतिक उद्भिद वन्य प्राणी माने रही थांती ताकु जैवमंडल कहा जाए। तो बारिमंडल कौन है, ना पृथ्वीर पृथ्वी पृष्ठ से प्राय शतकड़ा 71 भाग जलभाग, पृथ्वीर समस्त महासागर सागर ह्रद व्यतीत पार्वत्य अंचल तुषार राशि हिमबाह नदी केनाल प्रवाहमान धारा भूगर्भरे संचित जलांक वायुमंडल जलीय बाष्प रूपे थाए यही समस्त जलराशि को नहीं बारिमंडल गठित है। तो पिला माने
तो तुम्हें मैंने जदि भिडियोटी तुमको भल लगुच तो तुमने भिडियोटी को लाइक कर ठीक अच्छे। तो तापर देख भि तो भिरे कौन दे धातव खनिज और अधातव खनिज। तो धातव खनिज कौन हम ना जो खनिज धातु थाए धातव खनिज कहा जाए। टू आई पॉइंट कौन लिखा ना लोहपिंड बक्साइट मांगानीज इत्यादि यार उदाहरण। से अधातव खनिज कौन है ना धातु नथिबा खनिज पिंड को अधातव खनिज कहा जाए। उदाहरण कौन है चून पथर अभ्र जिप्सम इत्यादि यार उदाहरण है। तो तापर देख भि आई तो भि आई कौन दे खनिज और खनिज पिंड मध्य पार्थक्य मनुष्यर बिना साहाज्य रे प्राकृतिक अवस्था रे स्थित एक निर्दिष्ट रासायनिक मिश्रण युक्त वस्तु को खनिज कहा जाए। खनिज पिंड क्या कहा जाए ना जो शिलारे खनिज मिसी रही थाए खनिज पिंड कहा जाए। शिलारे जो खनिजर अनुपात अधिक थाए से ही खनिजर खनिज पिंड नाम नामित करा जाए। तो तापर देख भि टुआई तो भि टुआई दे पारंपरिक शक्ति और अणपारंपरिक शक्ति। तो पारंपरिक शक्ति कौन ना जो शक्ति बहु काल धरी साधारण भाव व्यवहृत हो आसुअी ताको पारंपरिक शक्ति कहा जाए। यार उदाहरण है जालेनी काठ कोईला खनिज तैल जल विद्युत शक्ति। अणपारंपरिक शक्ति कौन ना पारंपरिक शक्ति उत्सर बहु व्यवहार को नियंत्रण करने व्यवहृत नूतन शक्ति उत्स गुड़ी को अणपारंपरिक शक्ति उत्स बोली कहा जाए। तो यार उदाहरण है सौर शक्ति पवन शक्ति आणविक शक्ति भूतापज शक्ति। भी थाड़ाई देख दे प्राकृतिक गैस और बायोगैस है। तो प्राकृतिक गैस कौन है ना प्राकृतिक बाष्प पेट्रोलियम सह मिसी भूगर्भर स्तरीय शिला मध्यरे संचित थाए। एहाकु पेट्रोलियम निष्कासन समय अशोधित तैल सह मिसीथिबा अवस्था रे किंबा स्वतंत्र नलकूप साहाज्य रे भूगर्भर बाहर को अणा जाइथाए। एहा घरोई ईंधन बा कारखाना खाना गुड़िक व्यवहृत होइथाए। बायोगैस कौन ना जैविक वर्ज्य वस्तु जथा गोबर मृत उद्भिद प्राणी मानकर अंश गुड़ी को एक कुंडरे पकाइले सेगुड़ी को बैक्टीरिया पचाई सड़ाइबा फलरे सेथुरु मिथेन ओ अंगारकाम मिश्रित गैस निर्गत हुए। यहाँ बायोगैस कहा जाए है। तो तापर देख छ नंबर तो छ नंबर दे भारतर रेखांकित मानचित्र दर्शा है। तो देख ये दे चंदका हाथी अभयारण्य बॉम्बे हाई कॉर्बेट जातीय अरण्य काजीरंगा जातीय अरण्य तो ये सब गुड़िक भारतीय मानचित्र रे कौ जगार अच्छी कौ स्थान अवस्थित से गुड़िक दर्शेबा है। तो देख मु जो चित्रटी देखी तो यही चित्रटी ये तुम भारत मानचित्र करी तो यही स्थान मानक दर्शेदेव है। तो देख यही जगह अच्छी कॉर्बेट जातीय अरण्य है ये बिंदुटा दिखाई तो ये जगह अच्छे राणा प्रताप सागर है। देख नईगा है ये है चंदका हाथी अभयारण्य आम जो ये है। तो तुमने ये चित्रटे करदेव ठीक अच्छे। तो तापर देख सात नंबर तो सात नंबर दे कारण दर्शाओ आई रे देख नदी उपत्यका समतल भूमि गुड़िक उर्वर। तो यार कारण कौन ना नदी उपत्यका अंचल नदी मानक द्वारा परिवाहित अवक्षिप्त होई एही मृतिका सृष्टि होइथाय। एथिरे मुख्य शिलार खनिज अंश और जैवाक्ष्म प्रचुर परिमाण रे थिबारु एहा अत्यंत उर्वर कृषि कार्य पई विशेष उपयोगी तेणु एही अंचल गुड़िक कृषि कार्य लाभजनक अटे। टू आई देख दे परिवाहित मृतिकार अंतःभूमि सहित सामंजस्य न थाए। तो यार कारण है शिला क्षय होगापर क्षयजात प्राकृतिक शक्ति द्वारा परिवाहित हो अन्यत्र संचित हो यही मृतिका सृष्टि होता है। जो स्थान सृष्टि हुए से ही स्थान अंतर्भूमि सहित तहार किसी सामंजस्य न थाए। तो तापर देख थार्ड आई तो थार्ड आई दे मनुष्य व्यवहार योग्य जल पृथ्वीर एक मूल्यवान संबल। तार कारण पृथ्वी में मिलुथिबा मधुर जलर शतकड़ा मात्र एक भाग मनुष्य व्यवहार लगी।
ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଜଳକୁ ପାନୀୟ ରନ୍ଧନ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କୃଷି ଶିଳ୍ପ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଯାତାୟାତ ଓ ପରିବହନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ତେଣୁ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ବଳ। ଆଇଭି ଦେଖ ଆଇଭି ଦେଇଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ସରି ଅଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟା ଯୁକ୍ତ ତାର କାରଣ ହେବ ଅଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିକୃଷ୍ଟ ବୃକ୍ଷ ଓ କଣ୍ଟା ବୁଦାମାନ ଦେଖାଯାଏ ଏଗୁଡ଼ିକର ଚେର ଜଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଭୂମିର ଅଧିକ ଗଭୀରକୁ ଯାଇଥାଏ ଅଧିକ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ତ୍ୟାଗରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପତ୍ର ପୃଷ୍ଠ ଚିକ୍କଣ ଓ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମୋଟା ଏବଂ କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଭି ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନରେ ତମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାର କାରଣ କ'ଣ ନା କେତେକ ଧାତୁ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଏହାର ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣ କମି ଆସୁଛି ତମ୍ବା ଧାତୁର ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ଥିବାରୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଧାତୁକୁ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ଧାତୁ ରୂପେ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଭି ଆଇ ତ ଭି ଆଇ ଦେଇଛି କୋଇଲାକୁ ପୋତା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାହାର କାରଣ କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀ ଗର୍ଭରେ ପୋତି ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ କୋଇଲାକୁ ପୋତା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ କୃଷ୍ଣ ହୀରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ। ଭି ଟୁ ଆଇ ଦେଖ ଦେଇଛି ମୋ ଫସଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଜାଳେଣୀ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ତାହାର କାରଣ କ'ଣ ନା ଜୈବିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯଥା ଗୋବର ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପଚାଇ ସଡ଼ାଇବା ଫଳରେ ସେଥିରୁ ମିଥେନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଏହାକୁ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ।